अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंसोमीटर की। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। जो पार्ट वन है उसमें हम डिस्कस करेंगे लेंसोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स, और जो पार्ट टू है इसमें हम डिस्कस करेंगे इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें किस तरह से रीडिंग ली जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि एंड तक वीडियो पूरी देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी ग्लासेस या लेंस की बैक फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए या रिफ्रैक्टिव पावर को फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसको लेंसमीटर बोलते हैं, या लेंसोमीटर भी बोल सकते हैं, वर्टोमीटर भी बोलते हैं और फॉसीमीटर भी बोलते हैं। अगर हम लेंसोमीटर के एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले ये आप ऊपर देखें, ये क्या है, ये आईपीस है। ठीक है, इस आईपीस के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ, आपने इसको हमेशा ज़ीरो पर एडजस्ट करना है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर को कोई रिफ्रैक्टिव एरर है प्लस या माइनस, तो इसके ऊपर मेंशन है, तो आप इसको एंटी क्लॉक वाइज मूव कर सकते हैं प्लस के लिए, और क्लॉक वाइज मूव कर सकते हैं माइनस के लिए। अगर माइनस की ऑब्जर्वर की कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो अपने प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली इसको प्लस या माइनस की साइड करके इसको क्लियर कर सकता है, जो अंदर रेटिकल होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब वो रेटिकल क्लियर हो जाए तो वहाँ पर वो उसको अपने रिफ्रैक्टिव एरर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। अदरवाइज इसको हम यूजली, अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है तो यूजली हम इसको ज़ीरो पर ही रखते हैं। आई पीस के बाद यहाँ अगर आप नीचे देखें तो ये इसको बोलते हैं एक्सेस एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, ये एक्सेस एडजस्टमेंट नॉब है। जब हम इसमें कोई भी लेंस रखते हैं तो उसके, अगर सिलेंड्रिकल लेंस है तो उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपकी पावर के एक्सेस हैं उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसमें अलाइन करके, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अलाइन करना है, किस किस चीज़ को अलाइन करना है। तो ये जो है ये एक्सेस एडजस्टमेंट नॉब है, यहाँ से हम एक्सेस फाइंड कर सकते हैं सिलेंड्रिकल पावर की। फर्दर इसके नीचे देखें तो यहाँ पर ये आपको तीन पिन्स नज़र आ रही होंगी, इसको बोलते हैं लेंस मार्कर। ये थ्री पिन्स हैं और ये स्प्रिंग की तरह का होता है डिवाइस। ये देखें थंब से इसको हम नीचे इजीली, कोई भी अगर लेंस होगा तो उस पर हॉरिजेंटली जो है वो थ्री डॉट्स बन जाएंगे। इन तीनों पिन्स पर हम इंक लगाते हैं, इंक लगा के कोई भी लेंस रखते हैं और उसका अगर हमने सेंटर मार्क करना होता है तो इसको प्रेस करते हैं, तो थ्री डॉट्स जो हैं इन पिन से थ्री डॉट्स बन जाते हैं, तो वो सेंटर शो कर। तो इस तरह से हम सेंट्रेशन जो है वो किसी भी लेंस की मार्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर, लेंस मार्कर। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह लेंस है उसके सेंटर में इस तरह से थ्री हॉरिजेंटल डॉट्स जो हैं वो बन जाएंगे। अगर आप आगे देखें तो ये इसका लेंस स्टेज, इसको लेंस स्टेज भी बोलते हैं, लेंस होल्डर भी बोलते हैं। कोई भी ग्लासेस, कोई भी लेंस जिसकी हमने पावर फाइंड करनी होती है तो हम उसको यहाँ पर इजीली रख के तो पावर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्लास टेबल है, जब यहाँ पर हम लेंस रखते हैं लेंस होल्डर पर तो लेंस को एडजस्ट करने के लिए और अलाइन करने के लिए हम इस ग्लास को जो है वो यूज़ करते हैं, ग्लास टेबल को, और इसकी मदद से जो है हम लेंस को एक ही जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं ताकि लेंस मूव ना करे और प्रॉपरली हम उसकी रिफ्रैक्टिव पावर और सिलेंड्रिकल जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन है उसके एक्सेस ईजिली फाइंड कर सकें। नीचे देखें तो ये हमारे पास मायर एडजस्टमेंट नॉब आ जाती है, इसकी हेल्प से हम मायर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यूजुअली जो है वो ये नॉब हम हमेशा ज़ीरो के साथ ही लाइन करते हैं। नीचे हम देखें तो ये हमारे पास पावर ड्रम आ जाता है, इसको भी हम यूजुअली ज़ीरो के साथ लाइन करके रखते हैं, और इस पावर ड्रम में जो है वो 0.25 के डिफरेंस से हमारे पास डायोप्टर्स में पावर दी होती हैं, प्लस साइड और माइनस साइड जो है वो मेंशन होती है, और इससे हम जो है जो रिफ्रैक्टिव पावर है लेंस की वो हम फाइंड करते हैं प्लस में या माइनस में। इस पर आप देखें तो इसको इंक्लिनेशन कंट्रोल बोलते हैं, इससे जो है पूरा ये लेंसोमीटर इसकी बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बेस से अगर आपने इसको अपवर्ड मूव करना है या डाउनवर्ड मूव करना है तो वो इस इंक्लिनेशन कंट्रोल से ही आप मूव कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।